से जो पहला सेंटर यहाँ शुरू हुआ था वो मेरे पिताजी ने इनॉग्रेट किया था एंड वेरी काइंड ऑफ डॉक्टर थॉमस के उन्होंने मेरे बारे में सोचा एंड यू नो इनवाइटेड मी टू इनॉग्रेट सच अ वंडरफुल एंड स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्टीट्यूट. और ये यू नो हम आज के ज़माने में कॉस्मेटिक सर्जरी समथिंग विच इज़ अ बज़ वर्ड और सभी लोग कहीं ना कहीं आई थिंक कोई दूसरे देशों में जाके प्रिफर करते हैं ये करना. बट आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट आई थिंक वी हैव एवरी थिंग हेयर एंड दिस इंस्टीट्यूट इन इट्स सेल्फ इज़ अ ग्रेट एग्जाम्पल. सो कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी डॉक्टर थॉमस को फॉर हिज परफेक्शन एंड यू नो फॉर क्रिएटिंग समथिंग लाइक दिस फॉर द पीपल हेयर. तो ये कंसेप्शन से ऐसा था कि बारगाव जाने की ज़रूरत नहीं है, जो बारगाव मिलते हैं यहाँ पे मिलेंगे सेफ्टी. और हर इंसान को अगर गरीब हो या अमीर हो जो भी है उनको यहाँ आकर सेफ्टी से जो भी काम बाहर करवाना करवा ले सकते हैं और विद कॉन्फिडेंशियलिटी. सेफ्टी कॉन्फिडेंशियलिटी स्टेट ऑफ द आर्ट ये है हमारे मोटिव. हम बोल नहीं सकते ना ऐसा ऐसे बात कही तो कॉन्फिडेंशियलिटी वो तो पहली रूल होती है. ऐसा समझो कि हर इंसान को जो किसी कहाँ से भी जो आए हैं छोटा मोटा एनी वॉक ऑफ लाइफ पॉलिटिशियन जो भी है हमें तो सब इक्वल है. हम तो डॉक्टर हैं, हम सबको एक ही दृष्टि से देखते हैं और उनको आगे कराते हैं, उनको कॉन्फिडेंस देते हैं, उनको ऐसे एम्पावर करते हैं कि वो बाहर जाके जो भी करना है वो सफलता से करते हैं. आई थिंक सबसे बड़ी बात जो है डॉक्टर साहब जो बोल नहीं रहे हैं कि उनकी जो एनजीओ है शक्ति. आई थिंक जब आपने खूबसूरती की बात की है, खूबसूरती के बारे में नहीं है, आई थिंक इट्स कॉन्फिडेंस बिल्डिंग. और बहुत सारे बच्चियों को मैंने देखा है विथ क्लेफ्ट लिप, विथ स्क्विंट आई, विथ अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, फेशियल प्रॉब्लम्स, और उनका कॉन्फिडेंस कभी बढ़ता नहीं है. तो उसमें बहुत सफ़र करते हैं. इस तरह का इंस्टीट्यूट और उनके एनजीओ के थ्रू जो इतना मदद भी करते हैं गरीबों के लिए, स्पेशली फॉर द गर्ल चाइल्ड, आई थिंक इज़ कमेंडेबल.